नमस्कार दोस्तों, घरेलू आयुर्वेद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लोग खूबसूरत दिखने के लिए अपने चेहरे से लेकर अपने बालों तक का जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ अपने चेहरे को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, तरह तरह की क्रीमें यूज़ करते हैं जिससे कि वो और भी खूबसूरत दिख सके। लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने हाथ पैरों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। किसी के धूल मिट्टी की वजह से पैर काले हो जाते हैं, उनके हाथ पैरों में जो है मैल जमने लगती है, जिसकी वजह से उनके जो हाथ पैर होते हैं वो दिन प्रतिदिन काले होने लग जाते हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसा सरल सा नुस्खा लेकर के आए हैं जिसको आप घर पर ही बना करके अपने हाथ पैरों से जिद्दी काले मैल को हमेशा के लिए मिटा सकते हो और आप अपने हाथ पैरों को सुंदर व कोमल बना सकते हो। तो आपको अब लेना होगा एक लेमन, एक नींबू। दोस्तों, नींबू जो होता है इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है और साथ ही साथ इसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है जो कि आपकी त्वचा में से मैल को निकालने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। आपको जो है इस नींबू को बीच में से कट कर लेना है। नींबू को कट करने के बाद जो है आपको लेनी होगी एक खाली कटोरी और उस खाली कटोरी में जो है आपको पूरा रस ले लेना है। इस तरह सारा का सारा रस जो है आपको निकाल लेना है और रस को निकालने के बाद इसमें से आपको बीज को फेंक देना है। बीज को निकालने के बाद आपको इसके अंदर बेकिंग सोडा डालना है, इस तरह से, वो भी पूरा एक चम्मच। अब जब आप इसके अंदर बेकिंग सोडे को मिला दोगे, इस तरह से आपको इस चम्मच को चला लेना है ताकि जो बेकिंग सोडा है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर समा सके, यानी कि इसके अंदर घुल जाए। अब आपको इसके अंदर दो चम्मच बेसन का लेना है, यानी कि ग्राम फ्लावर का। इस तरह से आपको इसमें दो चम्मच बेसन मिलाना है और अब आपको इसको जो है जल्दी से अच्छे से मिला लेना है। अच्छे तरह से इसको जो है आपको बहुत ही सही तरीके से मिलाना होगा और अब ये जो है ये एक क्रीम की तरह बनकर तैयार हो चुका है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने हाथ पैरों को सादे पानी से धो लेना है। सादे पानी से धोने के बाद आपको इसको अपने हाथ पैरों पर इसको कुछ इस तरह से लेकर के लगाना है। फेस, जिस तरह से आप कोई फेस पैक यूज़ करते हो उसी तरीके से जो है आपको इसको लगाना है। आपको अपने हाथ पैरों पर इसको अच्छी तरह से मल लेना है ताकि आपके पैरों में से, आपके हाथों में से सारी धूल मिट्टी निकल जाए, जितना भी गंदा जिद्दी मैल जमा हुआ था आपके हाथ पैरों में वो सारा का सारा बाहर आ जाए। तो दोस्तों, ये था हमारी तरफ से आपके लिए आज का नुस्खा। अगर आपको ये नुस्खा पसंद आया तो वीडियो को करना लाइक, अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और जो लोग चैनल पर अभी तक नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में दी गई बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले सारे नुस्खे आप लोग सबसे पहले देख पाएं। धन्यवाद।